गाइस नमस्कार, वेलकम बैक टू दी बॉन्ग वॉयजर्स। होप यू गाइस आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाहर का सिचुएशन बहुत ही ख़राब है, बहुत सारे जगह पे लॉकडाउन है और आप और मैं खासकर घर बैठे हम अभी बोर रह रहे होंगे क्योंकि बाहर जाना अलाउड नहीं है, सेफ भी नहीं है। तो क्या करें इस बोरिंग लाइफ से बाहर निकलने के लिए, मैं आपको बोलता हूँ मेरे पास एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है। आपको सिर्फ यूट्यूब में जाना है, सर्च करना है द बॉन्ग वॉयजर्स जो हमारा चैनल है, और हमारे वीडियोस को देखिए और पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर कीजिए बाकी अपने दोस्तों और फैमिलीज के साथ। तो टाइटल और थंबनेल से देख के आपको तो पता चल ही गया होगा कि हमने उन्हें एक आईफोन 11 परचेस किया है। तो इसका पर्पस क्या था, क्योंकि हमारे पास ब्लॉग शूट करने के लिए कोई अच्छा कैमरा नहीं था। एक DSLR है हमारे पास, निकॉन D3, लेकिन उसमें माइक अटैच नहीं होता है, उसमें वीडियो जब अगर आप शूट करोगे तो वहाँ पे फोकस का भी कुछ प्रॉब्लम रहता है। और ये फोन बेसिकली खरीदा है शाइन की ने, तो उसको एक फोन भी चाहिए था, तो मैंने बोला देखो ये हमारा पर्पस भी सॉल्व हो जाएगा तो एक आईफोन लेते हैं। तो आईफोन और वन प्लस के बीच में हमारा जो डाउट था वो चल रहा था, जो कंफ्यूजन चल रहा था, अल्टीमेटली वी चोज आईफोन 11। तो ये रहा वो बॉक्स आईफोन 11, बहुत ही प्यारा बॉक्स है ये, व्हाइट कलर का। हम लोगों ने ग्रीन कलर का फोन लिया है आईफोन 11 64 GB। आइए करते हैं इसका अनबॉक्सिंग, मतलब ये पहली अनबॉक्सिंग हो चुका है, जिस दिन ये डिलीवर हुआ दो दिन पहले उसी दिन हम लोगों ने इसको ओपन किया था, क्योंकि इसमें टेम्पर ग्लास और बैक कवर हमें लगाना था। तो अनबॉक्सिंग पहले ही हो चुका है, लेकिन आपके लिए फिर से हम लोग ये अनबॉक्सिंग करेंगे आज। तो ये बॉक्स है इसका आईफोन 11 ग्रीन कलर 64 GB का। इसको आप ओपन करोगे तो ये फोन आपको दिख जाएगा। यहाँ पे फोन का कलर आपको मैं दिखाया था, ये बैक कवर है फोन। आप जैसे ही हाथ में लेते हो तो इसका एक बहुत ही अच्छा फीलिंग होता है, दिस फील्स वेरी अमेजिंग। ये देखिए फोन का जो कलर है, बहुत ही प्यारा कलर है, ग्रीन कलर, मुझे बहुत पसंद आता है ये फोन। इसका जो अपीयरेंस है, इसका जो फीचर्स है, ये बहुत ही अट्रैक्टिव है। आपका जो हम लोगों का मेन पर्पस था कि एक फोन हो जिसमें हम अच्छा वीडियो क्वालिटी, मतलब अच्छा क्वालिटी वीडियो शूट कर सके, तो ये वो पर्पस पूरा मतलब सॉल्व करेगा। इसका जो कैमरा है ये डुअल कैमरा है इसका, एक है 12 मेगापिक्सल, दूसरा भी 12 मेगापिक्सल है, एक है वाइड दूसरा है अल्ट्रा वाइड, और ये नाइट मोड में पिक्चर बहुत अच्छा क्वालिटी का पिक्चर ये देता है। इसका जो वीडियो क्वालिटी है, इसका आउटपुट बहुत ही बढ़िया है। तो इसका लेने का जो पर्पस था होपफुली वो सॉल्व अभी हो जाएगा। इसके साथ अनबॉक्स के साथ आपको क्या मिलता है, बॉक्स के साथ आपको मिलेगा ये एक डेटा केबल, एडाप्टर इसमें नहीं आता है, आपको अलग से ये एडाप्टर परचेस करना पड़ेगा। आपको सिर्फ ये केबल मिलता है, हेडफोन भी नहीं मिलता, हेडफोन हमने अभी खरीदा भी नहीं है, तो हेडफोन भी आपको अलग से परचेस करना पड़ेगा। इसके बॉक्स में इसके साथ आपको ये पिन भी मिलता है, जो सिम के को ओपन करने के लिए पिन आपको मिल जाएगा यहाँ पे, और ये आपका एक यूजर मैनुअल भी है। हम लोगों ने क्या किया है, इस बैक कवर का हम लोगों ने परचेस किया आईफोन 11 के लिए, ये है ग्रिप का, इसका प्राइस है ऑलमोस्ट 1400। ये ठीक ठाक मुझे लगा, क्योंकि इसमें से जो कलर है फोन का इसका ऑलमोस्ट मैच होता है, दोनों ही ग्रीन कलर का है, और ये फोन को शायद पीछे ने भी एंगल से प्रोटेक्ट भी करेगा जब इसको मैं फिट करूँ फोन के अंदर, तो ये प्रॉपरली फिट भी होता है फोन में। फोन को आप जब ऑन करोगे तो इसका जो अपीयरेंस है वो कुछ ऐसा आता है, बहुत ही प्यारा लगता है इसका अपीयरेंस। और ये फोन का फीचर्स के बारे में आपको बोल देता हूँ, जैसे मैंने आपको बोला ये 12 GB का दो कैमरा है, कैमरा जो इंस्टॉल है ये 4 GB RAM में आता है। इसका एप्पल A13 बायोनिक इसका प्रोसेसर है, और इसका बैटरी लाइफ है 3000 mAh। तो देखा जाए तो आईफोन 11 बहुत ही एक अफोर्डेबल फ़ोन है, हमने इसको परचेस किया 54,000 पे। तो ये बजट में आपका जो कैमरा का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा, आपके पास एक ब्रांडेड बहुत अच्छा ब्रांड का एक फोन है, तो आईफोन 11 इज द बेस्ट फोन फॉर यू। इसके ऊपर हम लोगों ने टेम्पर ग्लास भी इंस्टॉल किया है, वो है कैमरा का, जो इसका प्राइस है 2200। ये थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन ये फोन को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करता है, और ये फीडबैक हमने लिया था। बाकी दोस्तों ये आईफोन 11 यूज करते हैं, बाकी जो आईफोन यूज करते हैं उसमें से हम लोगों ने ये फीडबैक लिया, और हमें सजेस्ट किया गया था इसी को लगाओ तो ये फोन को अच्छे से प्रोटेक्ट करता है।
ये फ़ोन ऑन होने के बाद कुछ इस तरह का इसका अपेयरेंस होता है। ये काफ़ी फास्ट भी है, मतलब ऐसा नहीं है कि एंड्रॉयड में 8GB 6GB रैम जो अवेलेबल होता है इसका सिर्फ 4GB है तो ये स्लो होगा। iOS का इसका सिस्टम बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। अभी तक तो कोई मतलब ऐसा कोई लैग हमें महसूस नहीं हुआ है। ये बहुत ही अच्छा काम इसका मूवमेंट जो होता है, सपोज मान लीजिए मैं ये एप्लीकेशन ओपन करता हूँ तो इसका रिस्पॉन्स भी बहुत बढ़िया है। और इसका जो कैमरा क्वालिटी है वो आपको मैं दिखाऊंगा अभी। ये है इसका कैमरा क्वालिटी, इसका बहुत ही अच्छा कैमरा होता है। ये देखिए चीनी है हमारा, वो कुछ अपने काम में बिजी है। तो इसका कैमरा का रिस्पॉन्स भी बहुत बढ़िया है। वीडियो मैं आपके साथ अभी इस फ़ोन में रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा कैसे वीडियो इसका क्वालिटी है, और आप हमें बोलेगा आपको कैसा लगा इस वीडियो का क्वालिटी। जो वीडियो देख रहे हो ये हम कैप्चर कर रहे हैं आईफोन 11 से, तो आप ये वीडियो देख के बोलो कि आपको कुछ डिफरेंस महसूस हो रहा है कि नहीं। अगर वीडियो का क्वालिटी आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बोलिएगा। और बाकी ये पूरा कैमरे का पूरा फ़ोन के ऊपर जो एक डिटेल रिव्यू है वो हम लोग इस फोन को कुछ दिन यूज़ करने के बाद डेफिनेटली आपके साथ शेयर करेंगे। तो ओवरऑल वी आर वेरी हैप्पी विद दिस फोन एज ऑफ नाउ। इट्स ओनली हार्डली 2 डेज, सो इट इज़ टू अर्ली टू टेल। और देखते हैं अभी यूज़ करने के बाद देखेंगे आईफोन 11 यूज़ करने के बाद कि कैसा हमने वो मतलब फील हो रहा है यूज़ करने के लिए। ये फ़ोन का हमने परचेस किया है आई प्लानेट व्हाइटफील्ड ब्रांड से। इन्होंने बहुत अच्छा सर्विस दिया, हम लोगों ने कॉल करके कहा था कि मुझे ये फ़ोन चाहिए और उन्होंने उसी दिन विद इन 2 आवर्स ये फ़ोन को डिलीवर किया था। वो स्टोर अभी बंद है लॉकडाउन में, हम लोग भी बाहर नहीं जा पाए थे, तो वो लोग सिर्फ मतलब होम डिलीवरी का ऑप्शन है उनके पास, तो उन लोग आके डिलीवर कर दिए थे। ये हमें बहुत ही अच्छे प्राइस में मिला है, 5900 फ़ोन का प्राइस है। इसके साथ हमने जो परचेस किया है वो है ये अडैप्टर। अडैप्टर का प्राइस है 1900 और हमने एक परचेस किया है ये बैक कवर का प्राइस है 1490 और जो टेम्पर ग्लास का प्राइस है 2200। तो ऑलमोस्ट 5300 का आपको एक एक्सेस कॉस्ट बियर करना पड़ेगा। और हम लोगों ने अभी तक हेडफोन नहीं खरीदा, हेडफोन का प्राइस भी वो 49 के आसपास है, वो हम ऑनलाइन या फिर उसी स्टोर से दोबारा खरीदेंगे। हमारे जो बजट था उस बजट में आईफोन 11 ही सबसे बेस्ट फिट होता है। हमारा बजट था कुछ 55,000 के आसपास, पहले तो और भी कम था, मतलब हम लोग सोच रहे थे पहले वन प्लस लेंगे, लेकिन वन प्लस के मतलब कंपेरिजन में हमें आईफोन मतलब 11 ज़्यादा ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि उसको बाकी बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं अभी आईफोन 11, तो उनसे बहुत फीडबैक लेने के बाद वी डिसाइडेड दैट वी विल गो फॉर आईफोन 11। और अभी जैसे आईफोन 12 भी मार्केट में अवेलेबल है, उसका प्राइस बहुत ज़्यादा और ये हमारे रेंज में भी आता है, तो ये हमारा 64GB का फ़ोन है, इसके ऊपर आपको 128 और 516GB के फ़ोन भी आपको मिल जाएंगे आईफोन 11 में। वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो लिंक है वो आपको यह यहाँ पे दिख जाएगा, और बाकी जो हमारे और भी वीडियोस और भी ब्लॉग्स हैं उसका एक प्लेलिस्ट मैं आपको यहाँ शेयर कर दूंगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, हमें हेल्प कीजिए ग्रो करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।